सेट फाइव क्वेश्चन नंबर 26। स्टेट कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिंपली आपको दोनों कंडीशन लिख देनी है टी आई आर के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ गिवन प्रिज्म मटेरियल फॉर रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर आर रेस्पेक्टिवली 1.39, 1.48, 1.42 रेस्पेक्टिवली। ट्रेस द पाथ ऑफ रे थ्रू द प्रिज्म, तीन आपको दे रखी है रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, और रेड ब्लू ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेसेस गिवन है 1.39, 1.48, 1.42। आपको इन तीनों ही लाइट रे के पाथ आपको बताने हैं कि प्रिज्म के बाहर ये किस तरह से निकलेंगी, क्या कैसे निकलेंगी। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल कितने कितने हैं रेड ग्रीन और ब्लू के लिए। तीनों ही लाइट के लिए यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों ही लाइट रेस के लिए 45 है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से दो तीन बार आ चुका है जहाँ तक मुझे याद है। ये राइट एंगल है 45, 90 डिग्री 45, और तीन लाइट रे आपको गिवन है रेड ब्लू और एक रे ग्रीन। रेड ब्लू और ये ग्रीन तीनों ही के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है। कैसे, मैंने यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया। यहां देखो ये 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल बना रखा हमने, तो ये वाला कितना हुआ बोलो 45। या इतनी लंबी चौड़ी कहानी ना भी करें हम, तो ये दोनों देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है रेड कलर और ये पैरेलल है लाइन, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 45, और फिर ये पूरा 90 डिग्री मैंने बनाया है, तो कितना बचा है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 बच गया है। तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तीनों ही कलर की लाइट के लिए। साथ में आपको गिवन है, क्या गिवन है, रेड ब्लू और ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर 1.39, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन कलर 1.48, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर, नहीं दिस इज ब्लू, फॉर ब्लू और फॉर ग्रीन इट इज 1.42 1.42। अब कॉसेक 45 कितना होता है, साइन 45 वन बाय रूट टू है, तो कॉसेक 45 रूट टू यानी 1.414 1.414 है कॉसेक 45, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या कॉसेक इनवर्स 1.414 इक्वल्स 45 है ना? तो आप मुझे बताइए कॉसेक इनवर्स 1.39, कॉसेक इनवर्स 1.39 जो भी ये एंगल है ये 45 से ग्रेटर होगा या 45 से कम होगा? कॉसेक इनवर्स 1.39, जितना बड़ा एंगल कॉसेक की वैल्यू उतनी ही कम होती है। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से तीन में को लगा हुआ है, कॉस कॉसेक कॉट, जिनमें को लगा हुआ है ये उल्टे हैं,
साइन की वैल्यू एंगल के साथ बढ़ती है, कॉस की वैल्यू एंगल के साथ घटती है, जितने जिसमें भी को लगा हुआ है ये सब तीनों एंगल के साथ घट जाते हैं इनकी वैल्यू। एंगल बड़ा तो वैल्यू छोटी, तो इसका मतलब ये जो कॉसेक इनवर्स 1.39 है, वॉट एवर इट इज़ ग्रेटर देन 45। ठीक है, इसी तरह से कॉसेक इनवर्स 1.48, ध्यान से देखिए 1.4145 है, तो जब वैल्यू अगर बड़ी हो गई तो अब इस ये पूरा का पूरा एंगल 45 से छोटा होगा, लेस देन 45। इसी तरह से फिर देखें कॉसेक इनवर्स 1.42, इट इज ऑल्सो लेस देन 45। ठीक है, और ये सब क्या क्या है, ये सब क्या क्या है, ये सब है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसके लिए, ये पहले वाला क्रिटिकल एंगल है किसके लिए, रेड कलर के लिए। ये दूसरे वाला क्रिटिकल एंगल है किसके लिए, एंगल है ये ब्लू कलर के लिए। ये क्रिटिकल एंगल है आईसी किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए। तो अब यहां आप देखें ध्यान से, क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर, क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर इज लेस देन, ओ सॉरी, इज ग्रेटर देन 45। क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन 45, वॉट एवर बी द एंगल इट इज ग्रेटर देन 45। अब ध्यान से देखना जरा, जो इस टाइम रेड कलर की लाइट है ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट है, तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रेड कलर के क्रिटिकल से बड़ा है या छोटा है, ध्यान से देखिए। वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स इट इज क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर और सर्टेनली इट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, सर्टेनली दिस एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। लेकिन यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रेड कलर के लिए वो 45 से कम है, वो सॉरी 45 है, 45 है, जबकि क्रिटिकल एंगल 45 से ग्रेटर है, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है। फॉर रेड लाइट आई लेस देन आई सी, रेड लाइट के लिए आई लेस देन आई सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। अब जब ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट रे का क्या होना है, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, फिर क्या हो जाना है, लाइट रे पास इनटू द अदर मीडियम, करेक्ट। ब्लू कलर के लिए आइए, ब्लू कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेस देन 45 है, वॉट एवर इट इज, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना श्योर है कि ये लेस देन 45 है। तो फिर फॉर ब्लू लाइट, ब्लू लाइट के लिए इस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके अपने क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस टाइम 45 डिग्री, जबकि क्रिटिकल एंगल ब्लू कलर के लिए लेस देन 45 है। तो फिर क्या होगा, फिर इसका क्या हो जाना, फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना है, यानी ब्लू कलर की लाइट राइट एंगल पर मुड़कर यहाँ निकल जाएगी। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ब्लू कलर के लिए। ग्रीन कलर के लिए आप देखें जरा ध्यान से, ग्रीन कलर के लिए भी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, लेस देन 45 है, ठीक है, लेस देन 45 है, और ग्रीन कलर इस टाइम इंसिडेंट कितने पर हो रहा है, 45 पर। तो इसका मतलब फॉर ग्रीन कलर, फॉर ग्रीन लाइट इस टाइम जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल
क्रिटिकल एंगल, तो फिर क्या होगा, इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और अक्सर किताबों में इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, ज्यादातर बुक्स में इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो TIR समझ लो एक बार फिर से कि TIR क्या है और कब होता है। लाइट रे जाना चाहती थी डेंसर से रेयरर मीडियम पर। तो अगर लाइट का इंसिडेंस एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पर है तो लाइट रे कैसी निकल जाएगी, दोनों मीडियम के सरफेस को टच करते हो, ग्रेजिंग रे जिसे हमने बोला था, ग्रेजिंग रे, ग्रेजिंग रे। अगर लाइट रे का इंसिडेंस है एट एन एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नाउ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे दूसरे मीडियम में पार निकल जाएगी। और अगर लाइट रे का इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रीन रे एंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रीन रे इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में लौट कर आ गई। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इक्वल्स कॉसेक आई सी क्रिटिकल एंगल। तो फिर क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल है कॉसेक इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयर, किसी के लिए भी क्रिटिकल एंगल। अब यहां हमें गिवन है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट कितना गिवन है, 1.39। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू लाइट गिवन है 1.48। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन लाइट गिवन है 1.42। ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है। अब इनके इनवर्स निकालेंगे, मतलब हम अगर क्रिटिकल एंगल फाइंड करना हो रेड कलर के लिए तो कैसे फाइंड करेंगे, इट इज कॉसेक इनवर्स 1.39, क्योंकि क्रिटिकल एंगल है कॉसेक इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू लाइट तो ये होना है क्या, कॉसेक इनवर्स 1.48। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन लाइट कितना होना है, होना है कॉसेक इनवर्स 1.42। अब इनकी वैल्यूज प्रोबेबली आपको नहीं दी जाएंगी, तो इनसे एक आइडिया लेना आपको, सिर्फ आइडिया से ही काम चल जाएगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भी नहीं। क्या कॉसेक इनवर्स 45 होता है 1.414, कॉसेक इनवर्स 45 है 1.414, क्योंकि कॉसेक 45 की वैल्यू √2 है। फिर से और इसको इलेबरेट कर लो, कॉसेक 45 कितना है, √2 यानी 1.414। मैंने ये गलत लिख दिया, तो यहीं से अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या बनेगा आपका, कॉसेक इनवर्स 1.414 इज इक्वल्स टू 45, ठीक है।
कॉस एक्स जीरो इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस एक्स जीरो कितना होता है? इन्फिनिटी। कॉसेक 90 कितना होता है? कितना होता है? वन। उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? कॉसेक है इनवर्स साइन का ही तो है। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 साइन, साइन 0, 0 साइन 30, साइन 45, √3/2 और 1। तो कॉसेक क्या है? 1 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1 का 0 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 √2, 2/√3। ध्यान से देखिए, कॉसेक 0 की वैल्यू सबसे बड़ी है और कॉसेक 90 की वैल्यू सबसे कम है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटती चली जाती है, समझ रहे हो? कौन बड़ा है, 2 बड़ा है या √2 बड़ा है? कौन बड़ा है, √2 या 2? 2 इज लार्जर, 2 बड़ा है। तो साइन कॉसेक 30 की वैल्यू बड़ी है, कॉसेक 45 की वैल्यू छोटी है, कॉसेक 60 की वैल्यू और कम हो गई, 2/√3 हो गई। समझ रहे हो इस बात को? अब यहां आ जाओ, देखो यही मैंने यही से लिया। देखो, कॉसेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू 45। कॉसेक इनवर्स √2, इन कॉसेक इनवर्स √2 कितना? 45। ये तो लिया मैंने, कॉसेक इनवर्स √2 45। तो अगर मैं किसी फिगर का कॉसेक इनवर्स निकालूं जो 1.414 से बड़ा हो, तो फिर आंसर एंगल कितना आएगा? कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो कॉसेक इनवर्स 1.48, ये जो भी एंगल है, वैल्यू बड़ी हो गई तो एंगल कितना होगा? ये इट इज लेस देन 45। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स 1.42, वॉट एवर इट इज, सर्टेनली इट इज लेस देन 45। और अगर ये फाइंड करें हम, क्या कॉसेक इनवर्स 1.39, इट इज सर्टेनली ग्रेटर देन 45। ये क्या चीज है? ये क्रिटिकल एंगल है किसके लिए? ये क्रिटिकल एंगल है ब्लू के लिए। आई सी है किसके लिए? ब्लू के लिए। ये क्या चीज है? ये क्रिटिकल एंगल है, वॉट एवर इट इज, जो भी है, ये लेस देन 45 है, लेकिन ये क्रिटिकल एंगल है किसके लिए? क्रिटिकल एंगल है ये ग्रीन के लिए। और ये वाला क्रिटिकल एंगल है किसके लिए? क्रिटिकल एंगल है ये आपका रेड के लिए क्रिटिकल एंगल है। तो पता ये लगा कि इस प्रिज्म मटेरियल के लिए, जो भी ये प्रिज्म मटेरियल है, इस प्रिज्म मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर ग्रेटर देन 45 है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन कलर लेस देन 45 है, क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू कलर लेस देन 45 है। दोनों तीनों ही लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों ही लाइट के लिए 45 है। रेड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, लेकिन रेड के लिए क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन 45 है। रेड के लिए ग्रेटर देन 45 है कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल। शुभम, आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं और ध्यान से सुनो कि मैं पहले आंसर बता रहा हूं आपको। रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 से ग्रेटर है, व्हाट एवर बी द वैल्यू, 45.1 हो, कुछ भी हो।
रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 से ग्रेटर है, और रेड कलर के लिए इस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है। तो रेड कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल क्रिटिकल एंगल के लिए क्या रिलेशन आ रहा है? इस रेड कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन मिल रहा है आपको? आंसर मैं बता चुका हूं अभी अभी। तो रेड कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, लेकिन क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन 45 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस टाइम कितना है? 45, लेकिन क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन 45 है। तो इन दोनों से रिलेशन कंक्लूजन निकला कि इस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इसके अपने क्रिटिकल एंगल से छोटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस टाइम रेड कलर के क्रिटिकल एंगल से छोटा है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो TIR नहीं होगा, दूसरे मीडियम में पार निकल जाएगी। लेकिन ग्रीन और ब्लू के लिए, ग्रीन और ब्लू के लिए जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल है ग्रीन और ब्लू के लिए, ये 45 डिग्री से कम है, वॉट एवर इट्स वैल्यू, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के लिए कितने हैं? 45। तो इसका मतलब दोनों ही लाइट रे क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट हैं, और जब ये क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट हैं तो फिर दोनों का ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना है।